हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कंज्यूमर एड, उपभोक्ता सहायता। मैंने आपको उपभोक्ता के अधिकार कर्तव्य दोनों चीज़ें बता दी हैं। आज मैं आपको उपभोक्ता सहायता पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। UGC नेट JRF के स्टूडेंट्स के लिए, TGT PGT के जितने भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे नोट्स PDF की फॉर्म में लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर जो ही प्रोसेस को पूरा कीजिए और आप हमेशा के लिए मेरे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ जाएंगे ये प्रोसीजर को पूरा करते ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। उपभोक्ता सहायता क्या होती है, उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता कौन है, हम हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वी आर कंज्यूमर्स, ठीक है। जिस चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं हम उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता की सहायता हम पढ़ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मार्केट में जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो मार्गदर्शन करती हैं, हेल्प करती हैं, वो आज हम जानेंगे खूब डिस्क्राइब फॉर्म में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। उपभोक्ता को खरीदारी करते समय जो साधन मार्गदर्शन या सहायता करते हैं उसे उपभोक्ता सहायता के साधन कहते हैं, अर्थात अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु का चयन करने में जो साधन उपभोक्ता की सहायता करते हैं उसे उपभोक्ता सहायता साधन कहते हैं। अब आप मेरी लैंग्वेज में समझ लीजिए, हम लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जब हम जाते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, उसका ब्रांड देखते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, ये देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सा मार्क लगा हुआ है। व्हाटएवर हम कुछ भी खरीदने जाएँ, चाहे फूड लेने जाएँ, चाहे ज्वेलरी लेने जाएँ, चाहे कपड़ा लेने जाएँ, चाहे कॉस्मेटिक लेने जाएँ, कुछ भी लेने जाएँ, ठीक है। तो हम हर चीज़ को चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं, वो चीज़ें हमें क्या करते हैं, वो चीज़ें हमें मार्गदर्शन करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो वो क्या हुई हमारी कंज्यूमर एड ही तो हुई ना। तो कौन कौन सी कंज्यूमर एड होती हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंज्यूमर एड, प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम जानेंगे। कंज्यूमर को मार्केट में खरीदारी करते समय जिन सहायता साधनों से हेल्प मिलती है वो निम्नांकित हैं। सबसे पहले आता है मानकीकरण चिन्ह, जिसे स्टैंडर्ड मार्क्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि भारत की सरकार के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं और कोई ये मानकीकरण चिन्ह नहीं दे सकता, ठीक है। भारत की संस्थाएं हैं भारत सरकार की, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी मैं देख लेती हूँ क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर सोसाइटीज़, बुकलेट्स और लीफलेट्स जिसे पुस्तिकाएँ पर्चे कहते हैं, इसके अलावा खाद्य कानून है, लेवल 11 सूची मार्क है, ठीक है, सूची पत्र है, उपभोक्ता निवारण संगठन है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड मार्क्स की, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में मानकीकरण चिन्ह, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा ये मानकीकरण चिन्ह जो है ये प्रदान किए जाते हैं। भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो मानकीकरण चिन्ह प्रदान करती हैं। क्यों प्रदान करती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी की जाँच करती हैं, जाँच करने के बाद वो जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्क देती है। आई बस समझ में, एक मानक तैयार कर रखा है उन्होंने। मानक मतलब कि जैसे ये सारे मानक हैं, इन मानकों पे ये चीज खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी आपने काफी टाइम हो गया, नेस्ले क्या है, एक ब्रांड है, उसका एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में मैगी, ठीक है। अभी आपने देखा था मैगी को बैन किया गया था, पूरी मैगी ख़त्म की गई थी, क्यों, क्योंकि एक मानक था कि उसमें लेड PB जो होता है उसका जो क्वांटिटी है वो इतने लेवल तक होनी चाहिए, लेकिन मैगी में उसकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई गई थी। तो वो किसने चेक करा, वो भारत की संस्थाएं हैं BIS और DMI, वो चेक करती हैं। उन्होंने एक मानक निर्धारित कर रखा है, अगर उस मानक पर वो चीज़ें खरी उतरती हैं तो वो उसके ऊपर अपना एक मार्क देते हैं। समझ में आ रही है ना बात, यही होते हैं स्टैंडर्ड मार्क्स, मानकीकरण चिन्ह। और अगर वो खारा नहीं उतरता है, प्रोडक्ट उनकी मानक के ऊपर खारा नहीं उतरता है, तो वो क्या करते हैं, उसको बैन करवा देते हैं, रिजेक्ट करवा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए कौन कौन से स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं BIS और DMI क्या है। देखिए भारत की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करती हैं, भिन्न भिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करती हैं, उन्हें लागू करवाती हैं। और भारत की दो ये संस्थाएं निम्नांकित हैं, एक तो है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या BIS कहते हैं, और दूसरी है DMI, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जिसे विपणन निरीक्षण निदेशालय बोला जाता है, ठीक है। तो BIS जो है इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो को पहले भारतीय मानक संस्थान के नाम से भी जाना जाता था, अब इसे BIS के नाम से जाना जाता है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। अब ये कौन कौन से जो मार्क्स हैं वो प्रोवाइड कराता है, ISI मार्क है आपको आपकी स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर देखिए इमेज आपको ISI मार्क की दिखाई दे रही होगी, मैंने तो ऐसी रफली सी बना दी है। ISI मार्क को जो है आपके प्रमाणन चिन्ह, भारतीय मानक संस्थान के नाम पर ही ये ISI मार्क है, प्रमाणन चिन्ह है। 1952 में ISI अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो को किसी भी पदार्थ या प्रणाली के लिए मानक स्थापित करने का अधिकार है। मेरी बात समझ में आ रही है, BIS को अधिकार है
कि वो किसी भी प्रोडक्ट के मानक निर्धारित कर सकती है, वॉट एवर चाहे कुछ भी प्रोडक्ट लें, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अपना मानक निर्धारित कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है, उसकी गुणवत्ता की, उसकी क्वालिटी की जांच कर सकती है। और अगर उसकी क्वालिटी ख़राब निकलती है, उनके मानकों के ऊपर खरी नहीं निकलती है, तो वो उस चीज़ को बैन कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आपके तो ISI मार्क जो होता है, जिन भी आपके जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ISI मार्क का इनके ऊपर लाइसेंस होता है इनके पास, और समय समय पर इनके लाइसेंस की जांच की जाती है। अगर लाइसेंस इनका कैंसिल हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो इनको दोबारा से रिन्यू कराना होता है अपने लाइसेंस को। आई बस समझ में? और वही जो जिन व्यापारियों के पास ISI का लाइसेंस होता है, वही अपने प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी बिजनेसमैन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, वो बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट बनाता है, फॉर एग्जांपल आपके ये नेस्ले है, टाटा है, जिनका आपके बहुत सारी चीज़ें, नमक आता है, चाय पत्ती आती है, उसके ऊपर इनको लाइसेंस होता है कि ये चीज़ मार्केट में बेच सकते हैं और इतने ही मानक पर बेच सकते हैं। आई बात समझ में? और इस तो इसी की जांच कैसे की जाती है, इनकी वस्तुओं की जांच के लिए आपने देखा होगा फैक्ट्री से, दुकानों से नमूने बुलाए मंगाए जाते हैं और फिर वो कार्यालय में चेक कर जाते हैं, और अगर वो मानक पर खरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं खरे उतरते हैं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और अगर फिर भी कंज्यूमर्स को लगता है कि ISI मार्क है या दुनिया भर के मार्क दिए हुए हैं लेकिन फिर भी क्वालिटी क्वांटिटी ख़राब है, तो आप फिर क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर के BIS के शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं हम इको मार्क की। तो सॉरी, इको मार्क आप जानते ही हैं, जो भी जितने भी प्रकृति पर बुरा प्रभाव न डाले, पर्यावरण से मतलब इको फ्रेंडली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर इको मार्क दिया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एग मार्क की। जितने भी खेती संबंधी उत्पाद होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होते हैं, चाहे वो अर्ध सरकारी हों, चाहे वो खेती से निकलने वाले जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं, उसके ऊपर एग मार्क दिया हुआ होता है। एग मार्क के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे स्टूडेंट्स। एग मार्क जो है वो खेती के उत्पाद कानून 1937 को जो पारित हुआ था, उसे 1986 में संशोधित किया गया था, उसके अधीन कार्य करता है। ठीक है, और इसे DMI जो है, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय के अधीन जो मार्केटिंग और इंटेलिजेंस निदेशालय है, DMI द्वारा संचालित होता है। जो मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा जो है ये संचालित होता है। ठीक है, आपके एग मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। और जितने भी अर्ध कृषि उत्पादन होते हैं, जैसे अनाज, मसाले, तेल, अंडे, छटाई करके उसे बाजार में भेजते हैं, उसके ऊपर एग मार्क दिए जाने की व्यवस्था होती है। चाहे कृषि के हों, चाहे अर्ध कृषि सरकारी संस्थाएं हों, जो भी हो, उनके ऊपर एग मार्क होता है। ठीक है, इसके बाद आपको FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर दिख रहा होगा। FPO मार्क मैंने यहाँ पर बनाया भी है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जितना भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जितने भी आपके डिब्बा बंद या अचार होते हैं या कुछ भी होता है, पेय पदार्थ होते हैं, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल्स से रिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर FPO मार्क होता है। इसके अलावा वूल मार्क, जो भी आपके ऊनी वस्त्रों पर और ऊन पर देखा जा सकता है, वूल मार्क। ठीक है, तो दीज आर द मार्क्स जो कि आपके भारतीय सरकार संस्था के द्वारा दिए जाते हैं और इन्हें कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम पैकेजिंग की। पैकेजिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। आप लोग मोस्टली जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो पैकेजिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं, है ना। हम मार्केट जाते हैं, हमें जो भी पैकेजिंग अच्छी लगती है हम उसकी तरफ जल्दी खिंच के जाते हैं कि वाओ व्हाट अ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग से और भी बहुत से लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो वस्तु खराब नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा मिलावट की मात्रा जो है, एक तरीके से मिलावट की संभावना कम हो जाती है और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं आप, है ना। फिर दूसरी बात, वस्तु ख़राब नहीं होती है और जो भी निर्माता होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो उसमें से कम क्वांटिटी कम नहीं कर सकते, है ना। इसके अलावा आपके जो है वस्तुएं टूटने से भी बचते हैं और इसके अलावा आकर्षक भी बहुत होती हैं। अगर बहुत अच्छी पैकेजिंग है तो कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही है। बात कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट के। विज्ञापन कौन नहीं जानता? आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जमकर एडवर्टीजमेंट किया जाता है। TV पर आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, तमाम एडवर्टाइजमेंट है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझदारी से चीज़ को चुनिए। केवल एडवर्टीजमेंट देखकर ही उसकी तरफ खींचते हुए ना चले जाइए, मार्केट में जाइए। तमाम ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स आपको सूट करते हैं, जो ब्रांड्स आपके लिए हेल्दी हैं, उन ब्रांड्स को ही आप लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स किस चीज़ की। नेक्स्ट है आपके कंज्यूमर फोरम एंड कंज्यूमर
सर्विसेज की। देखिए, उपभोक्ता मिलकर कुछ समितियां बना लेते हैं, इसमें सदस्यों के द्वारा निशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। सरकार भी इन समितियों को हेल्प करती है, इनको टैक्स में छूट देती है। मतलब अगर आपको लगता है आप कंज्यूमर हैं, तो कुछ कंज्यूमर्स ही मिलकर एक सहकारी समिति बना लेते हैं, इनको सरकार भी हेल्प करती है, इन सहकारी समितियों को, इन्हें कर में छूट देती है, कृषि बैंकों से कम ब्याज पर ऋण भी दिलवाती है, इसलिए इन्हें ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्या करती हैं, कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा करती हैं, जैसे सुपर बाजार है, सहकारी स्टोर है, कॉरपोरेटिव स्टोर्स हैं, इन सब में क्या होता है, कंज्यूमर्स की क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड की जाती है और अच्छे मूल्य पर कंज्यूमर्स को क्वालिटी दी जाती है और अच्छी चीज़ें कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इनको गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बुकलेट्स एंड लीफलेट्स। देखिए, बुकलेट्स और लीफलेट्स आप कौन नहीं जानता है, जो भी न्यूज़पेपर में जिसे आपने एडवर्टीजमेंट करना होता है वो एक लीफलेट रख के भेज देता है, एक पर्चा रख के भेज देता है, तमाम पर्चे आपके घरों में आते होंगे, डेली एडवर्टीजमेंट होता होगा उनके ऊपर। तो ये भी एक तरीका है जो कि आपको हेल्प करते हैं शॉपिंग करने में, मार्केटिंग करने में, बाज़ार में जाने में, है ना। अब अगर अच्छा लग रहा है आपके काम का है वो पर्चा, तो आप तुरंत उसको रख लेते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं, मतलब बात हो रही है कि कंज्यूमर्स को कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं ख़रीदारी करने में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फूड लॉज। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ कानून हैं, आपको कौन से कानून हैं, फूड लॉज हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। खाद्य कानून द्वारा उपभोक्ता द्वारा पौष्टिक सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचाने में सहायता मिलती है। खाद्य कानून के मुख्य विशेषताएं, पहली बात तो क्या होती है कि उचित व्यापार को बढ़ावा देती हैं, मिलावट संबंधी खाद्य पदार्थों के हानिक प्रभाव से उपभोक्ता की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फूड लॉज हैं, देखिए सबसे पहला तो आपका होता है PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इसे बोलते हैं। इसके अलावा आता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO बोलते हैं। फिर है मांस उत्पाद नियंत्रण आदेश, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, हानिकारक औषधि अधिनियम। हानिकारक औषधि अधिनियम वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें आपके जो भी दवाएं बैन हो गई हैं, जैसे अभी आपके डिकोल्ड की टैबलेट्स और विक्स की टैबलेट्स को बैन किया गया है क्योंकि वो हानिकारक है, हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो वो इसी अधिनियम के अंतर्गत बंद की जाती है। फिर आता है आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पर्यावरण संबंधी चीज़ें जिस पर पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, जैसे प्लास्टिक्स हैं, पैकेट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, फिर लेबल एंड प्राइस लिस्ट तो आप जानते ही हैं, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं उस पर आपको लेबल और प्राइस लिस्ट मिलता है, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, ब्रांड नेम, मानकीकरण चिन्ह, ट्रेडमार्क, खुदरा मूल्य, निर्माता का नेम, उसके देश का नाम। ठीक है, इसके अलावा आपको खरा एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, सामान का सही वजन होता है, और ये दो ये तो आपने देखे होंगे, ये रेड कलर का मार्क और ग्रीन कलर का मार्क होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। ग्रीन कलर का मार्क्स होता है इसका मतलब ये वेजिटेरियन है, और रेड कलर का मार्क होता है मतलब ये नॉन वेजिटेरियन चीज़ें। तो ये देख कर भी आप आराम से चीज़ को पहचान सकते हैं, खरीद सकते हैं। अगर आपको वेजिटेरियन चाहिए वेजिटेरियन लीजिए, नॉन वेजिटेरियन चाहिए नॉन वेजिटेरियन लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, जो लास्ट है, जिसमें निर्माता और विक्रेता की धोखाधड़ी से बचने, वस्तुओं का सही मूल्य और गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए कई समितियां बनाई जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके संग धोखाधड़ी हो रही है तो आप उन सर्विसेज पर जाकर के वहां पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के पीछे उसकी कस्टमर सर्विस का नंबर दिया होता है, कस्टमर सर्विस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स को हेल्प करती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे कि मार्क्स वगैरह थे, फूड लॉज वगैरह थे, PFA FPO, ये सब आपको समझाने जरूरी थे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए इस चैनल को। और यहाँ पर आपको मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन होम साइंस के वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, केप इट अप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के।